अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इन बातों को कभी ना भूलें। आपका बचा रहेगा पैसा, सभी अमीर लोगों की यही होती है सोच। अपने बुद्धि बल ज्ञान और नीतियों से नंद वंश का नाश करने वाले आचार्य चाणक्य को कुशल राजनीतिक और अर्थशास्त्री माना गया है। अपने नीति शास्त्र में उन्होंने धनवान बनने को लेकर कुछ बातों पर जोर दिया है। हम आज बात करेंगे धनवान बनने को लेकर चाणक्य की नीतियों के बारे में। उनकी कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिसे हमें धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, जैसे सब लोग जानते हैं, आचार्य चाणक्य एक कुशल राजनीतिक और बहुत बुद्धिमान आदमी थे। अपने बुद्धि बल ज्ञान और नीतियों से दोस्तों उन्होंने नंद वंश का नाश किया था। उन्होंने अपने नीतियों के बल पर बालक चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बनाया। उनकी ये नीतियाँ मनुष्य के जीवन में काफ़ी उपयोगी मानी गई हैं। उनकी नीतियों के मार्ग पर चलकर इंसान सफलता प्राप्त कर सकता है। अपने नीति शास्त्र में उन्होंने धनवान बनने को लेकर कुछ बातों पर जोर दिया है। उनकी नीतियों को ध्यान में रखने वाला मनुष्य पैसे को लेकर हमेशा सुखी रहता है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को धन की प्राप्ति सचेत रहना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को पैसा बचाकर रखना है तो उसे खर्च करने का उचित तरीका पता होना चाहिए। वह कहते हैं कि तालाब या बर्तन में रखा पानी बिना प्रयोग के सड़ जाता है। उसी प्रकार बचाकर रखा गया पैसा अगर सही समय पर और सही जगह इस्तेमाल नहीं होता है तो उनका महत्व खत्म हो जाता है। पैसे का इस्तेमाल दान, निवेश और रक्षा के लिए करना चाहिए। अगली बात जो बताते हैं, पैसों का लेन देन डर या लज्जा के कारण नहीं रुकना चाहिए। चाणक्य के मुताबिक लज्जा के कारण पैसे का लेन देन नहीं कर पाने वाला व्यक्ति धनवान नहीं बन सकता है। पैसे का इस्तेमाल हमेशा लाभ के लिए किया जाना चाहिए। चाणक्य के मुताबिक न ही पैसे का मोह करना चाहिए और न ही इसकी प्राप्ति पर अहंकारी होना चाहिए। वह कहते हैं कि धन के पीछे पागल होने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह पाता है। मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए और कर्म से धन प्राप्त हो तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। पैसा आ जाने का पर अहंकार से भर जाने वाला व्यक्ति कुछ ही दिनों में फिर से खाली हाथ हो जाता है। इसलिए जब भी आपके पास धन आ जाए आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। पैसे के लिए गलत रास्ते का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। गलत तरीके से प्राप्त किया गया पैसा कुछ ही समय आपके पास रहता है। चाणक्य कहते हैं कि गलत तरीके से अर्जित किया गया पैसा ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक रहता है, उसके बाद वो आपके पास से खत्म हो जाएगा और आप पहले की तरह फिर कंगाल हो जाएंगे। इसलिए हमेशा जो है पैसे का सही उपयोग करें, उसका सही समय पर लगाएं तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली चाणक्य नीति के साथ अगले वीडियो में।